सबकी बातें सुनने के बाद मनवीर थोड़ा सी डरने लग जाती है, तो इसी डर में वो इंदर से बोलती है कि मेरा बेटा अंगद बेकसूर है, मैं कुछ नहीं जानती, कुछ भी करो, कैसे भी करना पड़े, अंगद को बाहर निकालो, अंगद को वापस ले आओ, अंगद को बचा लो। ये सब मनवीर के बोल निकल रहे हैं, जिस पर इंदर समझा रहा है मनवीर को कि हाँ, मनवीर तू चिंता मत कर, मैं अंगद को कुछ नहीं होने दूंगा, उसे मैं जल्द से जल्द बाहर निकाल लूँगा, वो बाहर आ जाएगा। और फिर बोलता है वो कि तू टेंशन मत ले, मैं अभी वकील को फ़ोन करता हूँ और वो कुछ ना कुछ मिस्टर ढिल्लो जो हैं वे वहाँ पर बचा लेंगे अंगद को। तो इंदर चला जाता है फ़ोन लगाते हुए बात करने के लिए। उधर आप देखते हैं कि जो बातचीत चल रही होती है, तो वहाँ पर गुरलीन सीरत से बात कर रही है, समझाती है सीरत को, दुख बांट रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो सीरत है उसको तो फ़र्क भी नहीं पड़ रहा इस बात से कि साहिबा को क्या हुआ, क्या हो गया, उसे कोई फिक्र नहीं, कोई चिंता या फिर कोई कुछ भी, उसे मलाल भी नहीं है ज़रा सा भी, उसे तो सिर्फ ये दिख रहा है कि साहिबा के साथ ऐसा हो गया तो उस कारण से अंगद को ऐसे जाना पड़ा अंदर। तो उसे सिर्फ इस बात का डर सता रहा है कि, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में एक बात और आ रही है कि जो उसे लगता है और सच भी है कि अंगद ऐसा कभी नहीं कर सकता साहिबा के साथ, वो भी साहिबा के साथ ऐसा कभी नहीं करेगा अंगद। सीरत ये बात कहीं ना कहीं अपने मन से दिल से जानती भी है। और इतने में ही आप देखते हैं कि वहाँ पर जब ये सब बात होती है, तो जसलीन भी बोल देती है कि चाहे कुछ भी हो, लेकिन पॉसिबिलिटी तो है कि शायद अंगद ऐसा कर दे, लेकिन कोई बात नहीं मानता। तो फिर दारजी बोल देते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं रब की बात भी नहीं मानूंगा, तो ये सब तो क्या ही है, बट इतना ज़रूर है कि हमारा जो अंगद है वो बेकसूर है और वो बहुत जल्द बाहर भी आएगा, और देख लेना रब उसी का साथ देगा सच्चाई का, और बेकसूर होके वो बाहर आ ही जाएगा।